स्वागत है आप सभी का द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में। एक तरफ कोरोना वायरस उसका कहर, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी समय से जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस ने लोगों को परेशान करके रख दिया है, लोगों को पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी इसका कहर कम नहीं है। साथ ही साथ ऐसे कहर के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ने कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला, वो मुहावरा इस पर बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखता है। क्योंकि अगर देखें तो एक तरफ जहां लोगों के पास कमाने के साधन कम हो गए हैं, कहीं लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, तो ऐसे में कहीं सारे लोगों की सैलरीज भी आधी हो चुकी हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालें या खुद के लिए खाना लाएं, खाना कैसे खाएंगे, या फिर हम अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस किस प्रकार से जाएं? क्योंकि एक तरफ प्राइवेट व्हीकल्स भी बंद हैं, तो ऐसे में लोगों को अपनी पर्सनल व्हीकल्स भी जो हैं वो निकालने पड़ रहे हैं। तो अब पर्सनल व्हीकल्स निकलेंगे, नेचुरली उसमें पेट्रोल आपको डालना ही पड़ेगा, और पेट्रोल के दाम जो हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ कल 93.85 रुपये था पेट्रोल का रेट, आज 94 रुपये क्रॉस कर चुका है, 94.05 रुपये पेट्रोल का दाम इस वक्त में पेट्रोल का दाम हो चुका है। और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वहाँ पर खड़ा हूँ, और ये नेशनल हाईवे भी एक पेट्रोल पंप है। मैं भी यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आया था, बट पेट्रोल जब भरवाया तो पता चला रेट कल से वापस और ज़्यादा बढ़ गया है, 94.05 रुपये हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों की जो पॉकेट है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर तेल भरवाने तो आ रहे हैं लोग, इनसे जानेंगे कि कितना असर पड़ रहा है इन लोगों की जेब पर ये बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। आपका स्वागत है द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में। कितना असर आप लोगों की जेब पर पड़ रहा है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं? सर, हमारा सफ़र इतना मुश्किल हो चुका है कि पैसा एक जेब में नहीं बचता है, इतनी महंगाई तेल की वजह से है, और हमें सफ़र में बहुत दुश्वारी आती है। एक तो हमें रास्ते ट्रैफिक तंग करती है, वो भी पैसा वसूल करती है, ऊपर से तेल महंगा है, हम हर बात से मजबूर हैं, आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है जी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि तेल के दामों में थोड़ी कमी करें जी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या ही है, आपको लगता है कि अच्छे दिन है? सर, अच्छे दिन आने का नाम नहीं है, खाली बताने की बात है। यहाँ अच्छे दिन कोई नहीं है, बल्कि गरीब किसान और आम पब्लिक मजदूर वो मारा हो जा रहे हैं इस वक्त रोडों में पेट्रोल की वजह से जी। और डीजल की वजह से जी। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार तक, क्या सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप इस चीज़ के लिए? सर, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तेल की कीमतों में कमी की जाए, और जो भी गरीब मजदूर हैं उनके जेब खाली हो चुके हैं, भूख के शिकार हो चुके हैं इस वक्त, रास्तों में भूखे लोग इस वक्त हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है हम दे रहे हैं इनको राशन, मगर कोई राशन कहीं नहीं दे रहा है, ये खाली इनके खोखले वादे हैं जी। जी सर जी। ये थे एक आम आदमी, ये भी हैं पेट्रोल भरवाने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी कहना है, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बट अच्छे दिन आते हुए नज़र नहीं दिख रहे कहीं पर भी। लगातार महंगाई जो है एक के बाद एक उछाल मारती जा रही है, कमाई हो नहीं रही, जॉब्स पे असर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है। इस तरफ से एक और शख्स अपनी गाड़ी में तेल भरवाने आए हैं, इनसे जानते हैं कि कितना असर इनकी जेब पर पड़ रहा है। ये बिना बोले ही निकल गए। खैर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी लोग जो हैं, एक तरफ जहां कोविड ने परेशान करके रखा है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ने अलग से परेशान करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि जो सुबह जॉब के लिए निकलता है उसे पेट्रोल का इंतज़ाम भी करना है, अपने घर के लिए खाने का इंतज़ाम भी करना है, तो ऐसे में अगर इस प्रकार ही जो महंगाई है बढ़ती रहेगी तो
किस प्रकार से एक आम आदमी जो है अपना गुजारा करेगा, किस प्रकार से एक आम आदमी अपने घर घर परिवार को जो है पालेगा, किस प्रकार से वो अपने लिए खाने का इंतज़ाम करेगा। आपको कोशिश करेंगे कि अभी अगर यहाँ पे कुछ और लोग भी आते हैं तो उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जहाँ ये भरा होता था पेट्रोल पंप से जो रश होता था इस पेट्रोल पंप पे, वो आज काफ़ी कम है देखने में। यहाँ पे एक और शख्स हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। नमस्कार जी। सर क्या असर पड़ा है आपकी आप लोगों की जेब पर इस पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से? बहुत असर पड़ा है, कॉमन पर्सन तो सफ़र कर रहा है, लेकिन सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही। ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्शन है इसी के थ्रू होती है, क्रूड ऑयल के थ्रू। पीछे से तो सस्ता आ रहा है, लेकिन अब इन्फ्लेशन के चक्कर में ही इसको मेंटेन करके रखे हैं रेट को, जिसकी वजह से कॉमन पर्सन सफ़र कर रहा है। आज डीजल और पेट्रोल में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। वो तो है, तो सफरिंग तो है बिल्कुल, वो चीज़ दिख रही है, आम आदमी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। तो एक चीज़, एक फनी सा थोड़ा सा सवाल है, क्या ये अच्छे दिन हैं? नहीं जी, ये क्रूशल डेज हैं सफर सब के लिए। अच्छे दिन तो किसी एंगल से नहीं लग रहे, आप किसी भी कॉमन पर्सन से पूछ लो ना, आजकल उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो पेट्रोल तो एक लग्जीरियस गुड्स में आ गया। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल अब लग्जरियस गुड्स में भी पहुंच चुका है। यहाँ पर एक और शख्स है, बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनका क्या व्यू पॉइंट है पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस पर। भैया क्या नाम है आपका? योगेश सर। योगेश जी, योगेश जी कितना असर पड़ा है आप लोगों की जेब पर इस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से? सर नॉर्मल बंदा है जो, वो तो ख़त्म है। आप क्या काम करते हैं? मैं सर गाड़ियों का काम है। अच्छा, गाड़ियों का काम है जी। तो काफ़ी ज़्यादा आपका कितना असर पड़ा है इस लॉकडाउन के बाद, या फिर जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े उस वजह से कितना ज़्यादा आपके पे इफेक्ट पड़ेगा? इस चीज़ का तो हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, खाने पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, हर चीज़ पे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ कई सारे लोग इसे लग्जरीस आइटम में गिना रहे हैं, कह रहे हैं लग्जरी आइटम हो चुकी है, कई लोगों की पॉकेट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, या बाकी आइटम्स के दाम भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस पैंडेमिक के टाइम पर, जहां पर इस पैंडेमिक के टाइम पर लोगों की जॉब पे बनाई है, वहीं दूसरी तरफ से पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइसेस भी उनको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। आप बने रहें था फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।